हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने लिए कंटिन्यू कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग तो चल ही रहा है टॉपिक हमारा, तो इस मार्जिनल कॉस्टिंग में आज हम क्या ला रहे हैं? आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं जिसमें ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट लाइन चल रही हैं और एक प्रोडक्ट लाइन को हमें डिसकंटिन्यू करना है। और डिसकंटिन्यू का तो पिछला न्यूमेरिकल भी था, तो इसमें डिसकंटिन्यू के साथ साथ हम उसकी जो कैपेसिटी है अदर 2 प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक ऐसा न्यूमेरिकल जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए। और स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? वो कह रहा है इस न्यूमेरिकल में कि स्वाति एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरर 3 प्रोडक्ट। ठीक है, 3 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जैसा मैंने बताया आपको। देयर डिटेल्स, उनकी डिटेल्स उन्होंने दी हुई है कि एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट है मेरे पास और इनमें जो कैपेसिटी इंगेज्ड है, ये ध्यान रखना, कैपेसिटी जो इंगेज्ड है वो एक्स ने इंगेज की हुई है 20%, वाई ने 40 और जेड ने 40, हो गया 100%। यानी कि हम पूरी 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। हमें कोई ऑर्डर मिलता है या हम किसी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि 20%, 40% और 40%। और इस प्रेजेंट कैपेसिटी के अंदर कर क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं 2000 यूनिट एक्स की, 5000 यूनिट वाई की और 6000 यूनिट जेड की। बिल्कुल क्लियर करके चले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या है। 3 प्रोडक्ट लाइन, 20, 40, 40 कैपेसिटी इंगेज की हुई है, इनकी प्रेजेंट कैपेसिटी में कितने कितने यूनिट बन रही है ये हमने चेक कर लिया है। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है मुझे कॉस्ट। कॉस्ट को अगर निगाह डालें तो उन्होंने कहा मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब पहले जो 3 है, मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल, ये तो मार्जिनल कॉस्ट है यानी वेरिएबल है, और चौथा जो है वो है फिक्स्ड। तो 3 को एक साथ ले लूंगा और एक को अलग कर दूंगा, तो जो अलग करूंगा वो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी मेरी, और तीनों को जोड़ दूंगा तो आ जाएगी मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। तो जोड़ लीजिए तीनों को वेरिएबल कॉस्ट को, 20, 10 और 7, 37। इसके बाद है 32, 12 और 9 यानी 53। इसके बाद है 36, 16 और 11, 63। हो गया मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। एक्स वाई जेड तीनों की वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, मैंने तीनों को जोड़ दिया है, मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स को। हो गया मेरे पास। अब इसके थ्रू आपको नेक्स्ट लाइन दी हुई है फिक्स्ड ओवरहेड्स की। फिक्स्ड ओवरहेड्स है 6, वाई के लिए 9 और जेड के लिए है 10। और ये बात आपको हमेशा समझनी है, ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को कर रहे हैं कुछ गलत कुछ सही, नहीं, आपके माइंड में पहले ही राउंड में इंफॉर्मेशन करेक्ट जानी चाहिए। और इंफॉर्मेशन ये है कि फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं रखनी होती है हमें, हमें उसे हमेशा टोटल में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि आप चाहे प्रोडक्शन कम करें ज्यादा करें, किसी प्रोडक्ट लाइन को बंद करें, फिक्स कॉस्ट तो सेम लगेगी। तो फिक्स कॉस्ट को हम कैपेसिटी से हटाकर टोटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने कहा फिक्स ओवरहेड 6 रुपए पर यूनिट है, 6 रुपए पर यूनिट है 2000 यूनिट के लिए, 6 × 12000, 5000 यूनिट के लिए, यहां पर कह रहा है 9 रुपए के रेट से यानी 45000, 10 रुपए की रेट से 6000 यूनिट यानी 60000 रुपए, तीनों पर टोटल कर लिया 117000 रुपए। यानी फिक्स कॉस्ट मेरे पास है 117000 रुपए, 117000 रुपए, चाहे आप किसी को बंद करें, चाहे आप स्टार्ट करें, इस कैपेसिटी को कहीं और यूज करें, करें ना करें, आपकी फिक्स कॉस्ट 117000 रुपए लगेगी ही। और बाकी चेंज कहेगा तो क्वेश्चन बता देगा मुझे। नीचे वो मुझसे कहता है सेलिंग प्राइस, क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में मुझे हर चीज गिवन है, भाई सेलिंग प्राइस है 40 रुपए, सेलिंग प्राइस 40, 2000 यूनिट, 40 की मल्टीप्लाई करी 2000 में 80000। समझाऊं कि भाई 2000 यूनिट और 40 रुपए की एक मल्टीप्लाई कर दीजिए 80000 रुपए, वाई में है 5000 यूनिट और एक यूनिट है 75 की, तो 5000 × 75 375000 रुपए। इसके बाद है जेड 85 रुपए, 85 और यूनिट कितनी है 6000, तो 6000 × 85 510000 रुपए का आपके पास हो गया है सेल्स। यानी कि एक्स की सेल्स 80000, वाई की 375000, जेड की 510000। क्लियर है कंसेप्ट? भैया हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यूनिट दी हुई है, एक्स की यूनिट 2000 है, वाई की 5000, जेड की 6000, मल्टीप्लाई कर दिया सेल्स आ गया। अब वेरिएबल कॉस्ट, अभी हमने वेरिएबल कॉस्ट का टोटल किया था कि भाई एक्स में कितना था, 20 रुपए का मटेरियल, 10 रुपए का वेजेस, 7 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड्स, टोटल 37,
टोटल 37, तो 37 into 2000 भाई 37 रुपए की कॉस्ट, 2000 यूनिट, 37 into 2 यानी कि 74,000, 74,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं, इसमें है 53 into 5,000, 53 की एक यूनिट into 5,000, 2,65,000, 2,65,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, जबकि इसके अंदर है वेरिएबल कॉस्ट 63 और यूनिट है 6,000, 3,78,000 रुपए। मल्टीप्लाई कर लीजिए कैलकुलेटर से, कर लीजिए अपने आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगी हमारी, आ गई। अब 80,000 रुपए की सेल्स, 74 की वीसी, 6,000 का कंट्रीब्यूशन, 3,75,000 रुपए की सेल्स, 2,65,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 1,10,000 रुपए का हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन, 5,10,000 रुपए की सेल्स, 3,78,000 रुपए की मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, तो 1,32,000 हमारे पास आ गया है कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 6,000, 1,10,000 और 1,32,000, देख सकते हैं 6,000, 1,10,000 और 1,32,000, तीनों को जोड़ दिया, निकल कर आ गया 2,48,000। कितना आ गया? 2,48,000। फिक्स कॉस्ट मैंने पहले ही सॉल्व करी थी 1,17,000, तो 2,48,000 यानी 2,48,000 के कंट्रीब्यूशन में से हम 1,17,000 का जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट है माइनस कर दें तो निकल कर आता है 1,31,000 जो कि है हमारा प्रॉफिट। यानी प्रेजेंट पोजीशन में जो इस समय हम अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें हम ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी पर, तो ये प्रेजेंट पोजीशन हमें बता रही है हमारा प्रॉफिट है 1,31,000। अब प्रपोज्ड प्लान क्या कर, हमारी प्लानिंग है कि भाई इसका जो प्रॉफिट है बहुत कम है, कंट्रीब्यूशन केवल 6,000, तो हम इसको बंद करके इसकी जगह, इसको बंद करके इसकी जगह वाई और जेड का प्रोडक्शन बढ़ा दें, वाई और जेड का प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो इन दोनों का प्रोडक्शन बढ़ाकर हम दोबारा से प्रॉफिट निकालेंगे और देखेंगे कि क्या एक्स को ड्रॉप करने के बाद हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा और पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, द मैनेजमेंट प्रपोज टू डिसकंटिन्यू द लाइन एक्स एंड यूटिलाइज द डिसएंगेज्ड कैपेसिटी ऑफ लाइन एक्स इक्वली इन लाइन वाई एंड जेड। एक्स को बंद करके उसकी कैपेसिटी को बराबर बराबर वाई और जेड में दे दीजिए। एक्स को बंद करके एक्स की कैपेसिटी है 20%, तो इस 20% का आधा 10% इसे दे दो, 10% इसे दे दो, तो 40% था 50% हो गया, ये 40% था 50% हो गया हमारा क्लियर कंसेप्ट। अब क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस एंड कॉस्ट। अब प्राइस, सेलिंग प्राइस में चेंज आ रहा है और कॉस्ट में चेंज आ रहा है, वो आप देख लीजिए। वो कह रहा है कि मटेरियल एक्स का 10%, जेड का भी 10%, रेट बढ़ने वाले हैं, कोई बात नहीं। वेजेस में 5-5% के रेट बढ़ने वाले हैं एक्स मतलब वाई और जेड में, और सेलिंग प्राइस वाई का हम 2% बढ़ाने वाले हैं और जेड का बढ़ाने वाले हैं 5%। तो सबसे पहले इसी काम को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या पोजिशन थी, मेटीरियल है वाई का 3200 रुपए, मेटीरियल देख लीजिए, मेटीरियल 32, लेबर 12 और वेरिएबल ओवरहेड्स 9 रुपए, जबकि जेड के लिए मटेरियल है 36 रुपए, लेबर है 16 रुपए और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 11 रुपए। अब इन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने कहा मटेरियल में 10%, तो मटेरियल 32 रुपए का था, 10% यानी 3 रुपए 20 पैसे जोड़कर 35 रुपए 20 पैसे। ऐसे ही जेड में मटेरियल 36 रुपए का है, तो 36 का 10% 3.6, 36 में 3.6 ऐड किया 39.6। वेजेस में 5% का इंक्रीमेंट है, 12 का 5% 3 मतलब 12 का 5% हो गया मेरे पास 0.6, तो 12 और प्लस 0.6 यानी कि 12.6, और यहां पर 16 का 5% होता है 0.8, तो 16 प्लस 0.8 यानी 16.8, तो मटेरियल निकल के आ गया नया, वेजेस निकल कर आ गई और वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई चेंज है ही नहीं, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाई की हो गई है मेरे पास 56.80, जबकि जेड की हो गई है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 67.40। तो दोनों की मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिल चुकी है, सेलिंग प्राइस में उन्होंने कहा 2% का चेंज है, सेलिंग प्राइस 75 रुपए का है, 2% जोड़ दिया 76.50। जेड का सेलिंग प्राइस 85 रुपए है और इस पर 5% हमने ऐड कर दिया 89.25, यानी कि हमने अपना नया वेरिएबल कॉस्ट, नई सेलिंग प्राइस दोनों फाइंड आउट कर लिया,
लास्ट देख लेते हैं चाहता क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करते हैं। फिक्स ओवरहेड्स अनचेंज रहेंगे, सिमिल शैल रिमेन अनचेंज, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी एंड एडवाइज द मैनेजमेंट एज टू वेदर द स्कीम बी अडॉप्टेड और अबॉन्डेड, यानी कि स्कीम को कंटिन्यू करें या हटा लें। दोनों पॉइंट दिए ना, वे चाहे तो जैसे प्रेजेंट चल रहा है वैसे ही रखें या अपनी जो नई स्कीम नई प्लानिंग हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास यहां हमने सॉल्व कर लिया था भाई मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स मिलाकर 37 रुपए था पहले एक्स का वाई का और जेड का, तीनों का हो गया हमारे पास वाई का और जेड का तीनों का हो गया, लेकिन एक्स को बंद कर रहे हैं अब हम वाई और जेड का। तो मटेरियल 10% बढ़ गया, वेजेस 5% बढ़ गया, वेरिएबल ओवरहेड सेम, मिलाकर अब 56.80 रुपए है, पहले 53 रुपए का था 53, अब 56.8। जेड पहले 63 का था, अब यहां 10% बढ़ गया, यहां 5% और ये नो चेंज, तो ये हो गया 67.40। सेलिंग प्राइस बढ़, मतलब ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस भी बढ़ा है। पहले सेलिंग प्राइस 75 था जो 76.5 हो गया, सेलिंग प्राइस जेड का पहले 85 था जो बढ़कर 89.25 हो गया। अब देखिए कैपेसिटी, कैपेसिटी देखूं तो क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है कि भाई मैं यहां 5000 यूनिट बनाता था कितने परसेंट कैपेसिटी पर, 40% कैपेसिटी पर, और अब बनाऊंगा 50% कैपेसिटी पर, तो कितना निकल कर आ गया 6250, यानी कि अब बनाऊंगा मैं 6250 यूनिट, जबकि इसमें बना रहा था मैं पहले 6000 यूनिट कितने परसेंट पर, वही 40% पर, अब 50% पर बनाऊंगा तो कितना बनेगा 7500 यूनिट। हाँ तो बेटा क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई नई वाली और दोनों का सेलिंग प्राइस भी हम पे नया वाला, यानी कि हमने वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस न्यू यानी एक्स और जेड पर नए तरीके से सॉल्व कर लिया सॉल्व। अब हमें क्या करना है, देखिए 56.8 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और यूनिट है 6250, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी एक्स की, इसी तरह से वाई की वेरिएबल कॉस्ट है 67.4 और यूनिट है 7500, मल्टीप्लाई कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। सेल्स दिया हुआ है 76.50, यूनिट है 6250, मल्टीप्लाई कर दिया 4,78,125, इसी तरह से Y की है 89.25 और यूनिट है 7500, मल्टीप्लाई कर दीजिए 669,375, यानी कि हमारे पास दोनों की सेल्स और दोनों की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई तो करनी है भाई, दोनों निकाल ही चुके हैं हम दोनों के दोनों कि भाई सेलिंग प्राइस कितना है, वेरिएबल कॉस्ट नई कितनी है, तो नई वाली वेरिएबल कॉस्ट को नई यूनिट में मल्टीप्लाई, वेरिएबल कॉस्ट को नई यूनिट मल्टीप्लाई, सेल्स को सेल्स के साथ मल्टीप्लाई, निकल कर आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। क्या निकल कर आ गया, कंट्रीब्यूशन यानी कि वाई के लिए भी और जेड के लिए, इन टोटल कंट्रीब्यूशन 2,87,000, चेक कर लें 123,125 और 163,875 दोनों को ऐड कर लिया, निकल कर आ गया 287,000। तो 287 यानी कि 2,87,000 रुपए आपकी कंट्रीब्यूशन आ गया और फिक्स कॉस्ट तो सेम है ही 1,17,000 रुपए, फिक्स कॉस्ट तो चेंज होनी नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट दी 1,17,000 रुपए, तो नेट प्रॉफिट आ गया 1,70,000 रुपए। तो पहले नेट प्रॉफिट था 1,31,000 रुपए और आज नेट प्रॉफिट है 1,70,000 रुपए, यानी कि 39,000 का प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा हो चुका है। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमें पुराने प्लान को कंटिन्यू करना है या प्रपोज्ड प्लान को तैयार करना है, तो साफ साफ लिखा हुआ है कंक्लूजन कि अब हमें नए यानी कि एक्स को बंद करके एक्स की जो इंगेज कैपेसिटी है उसे वाई और जेड को देते हुए अपनी प्रोडक्शन लाइन को कंटिन्यू करना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए टेक्निकली हो जाता है, बीच में क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि भाई मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो मटेरियल के बढ़ा दिए, लेबर के बढ़ रहे हैं लेबर के बढ़ा दिए, वेरिएबल सेम रहा, सेलिंग में कुछ चेंज हुआ, सबका एक साथ ऐड करने के बाद सीधा मल्टीप्लाई करनी है, फिर क्वेश्चन अपने आप ही सीधा सॉल्व हो जाएगा, इतना भी टेक्निकल नहीं है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन एक-एक करके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अब मैं आपको अपने नई वीडियो में एक नई न्यूमेरिकल के साथ मिलता हूं। थैंक यू।